This Lalan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार मुकेश अंबानी के घर के बाहर कुछ दिनों पहले एक स्कॉर्पियो कार मिली थी। कार में जिलेटिन की रॉड मिली थी। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला था कि ये कार व्यवसायी मनसुख हिरेन की है, लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ आया है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जांच में ये पता चला है कि कार मनसुख हिरेन की नहीं थी, थाने के रहने वाले सैम पीटर न्यूटन की थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में दावा किया गया है कि मनसुख हिरेन ने अपनी मौत से पहले क्राइम ब्रांच को दिए स्टेटमेंट में न्यूटन का नाम लिया था। कहा था कि 2016 से उनकी न्यूटन से जान पहचान है। हिरेन थाने में कार सजावट का कारोबार करते थे। न्यूटन ने मनसुख हिरेन से कहा था कि वो उनकी गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज फिट कर दें। मनसुख ने काम कर दिया, बिल बैठा 2,80,000 का। न्यूटन ने काम के बदले मनसुख को दो चेक दिए, एक एक्सिस बैंक का और एक HDFC बैंक का। गाड़ी न्यूटन को वापस कर दी गई, लेकिन बयान के मुताबिक मनसुख हिरेन जब बैंक में चेक जमा कराने पहुंचे तो चेक बाउंस हो गया। हिरेन ने बताया कि उन्होंने न्यूटन से अपने पैसे निकलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बाद पुलिस तक पहुंच गई। अप्रैल 2018 दोनों नौपाड़ा पुलिस थाने पहुंचे। 2 साल चली जदोजहद के बाद न्यूटन ने हिरेन को 15 दिनों में पैसा चुकता करने का वादा किया। कहा कि तब तक वो उनकी गाड़ी का इस्तेमाल करें। चाहते ना चाहते मनसुख हिरेन ने सैम न्यूटन की 13 साल पुरानी गाड़ी ले ली। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला का दावा है कि हिरेन ने ये गाड़ी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को दे दी। सचिन वाजे ने इस गाड़ी का नवंबर 2020 से 5 फरवरी 2021 तक इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सप्रेस से बातचीत में पुलिस अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि वाजे का कभी इस गाड़ी से कोई भी लेना देना रहा था। विमला ने यह भी दावा किया कि 5 फरवरी को वाजे ने गाड़ी लौटा दी। 12 दिन तक गाड़ी वाजे के पास रही। 17 फरवरी को हिरेन मुंबई जा रहे थे, गाड़ी विक्रोली के पास खराब हो गई। हिरेन ने गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे लगाकर छोड़ दी। हिरेन ने ओला कैब बुक की। आगे उन्हें दोस्त पवन मिले। दोनों ओपरा हाउस गए। वहां से थाने तक का वापसी का सफर हिरेन ने पवन के साथ ही किया। विमला के मुताबिक अगले दिन यानी 18 फरवरी को जब हिरेन अपनी गाड़ी लेने विक्रोली के पास गए तो गाड़ी वहां नहीं थी, चोरी हो गई थी। मनसुख हिरेन पुलिस थाने गए, गाड़ी चोरी की शिकायत दर्ज करा दी। IPC की धारा 379 चोरी के तहत केस दर्ज हो गया। FIR में हिरेन ने साफ लिखवाया कि गाड़ी के मालिक सैम न्यूटन है। बाद में हिरेन के परिवार ने TV पर गाड़ी को देखा अंबानी के घर के बाहर, लेकिन पहचान नहीं सके। क्यों? क्योंकि नंबर प्लेट, इंजन नंबर और चेसिस नंबर बदल दिए गए थे, लेकिन गाड़ी के पिछले शीशे पर फाइनेंस कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था। वहां से महाराष्ट्र ATS को मनसुख हिरेन का पता चला और गाड़ी का असल नंबर पता चला, जो था MH02AY2815। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो बात साफ हुई कि गाड़ी दरअसल सैम न्यूटन की थी, जो मनसुख हिरेन के पास से चोरी हो गई थी। ये सब चल ही रहा था कि 5 मार्च को मुमरा के पास से मनसुख हिरेन की लाश बरामद हुई। सैम न्यूटन ने मामले में चल रही जांच का हवाला देते हुए मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। अब महाराष्ट्र ATS के अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि सैम न्यूटन की गाड़ी विक्रोली से किसने चोरी की। मनसुख हिरेन की मौत भी सवालों के घेरे में है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मनसुख हिरेन ने आत्महत्या की थी या किसी ने उनकी हत्या की। खबरों के मुताबिक जब मनसुख हिरेन की लाश बरामद हुई तो उनके मास्क के पीछे 5 रुमाल गोल करके रखे गए थे। शरीर पर चोट के निशान भी थे। मनसुख के पास 2 मोबाइल फोन थे। एक मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन वसाई के तुंगरेश्वर में मिली। दूसरे फोन की आखिरी लोकेशन वसाई के मांडवी में मिली। गाड़ी की चोरी के केस के साथ साथ ATS इस समय ये भी पता करने में जुटी हुई है कि मनसुख हिरेन की आखिरी लोकेशन सही सही क्या थी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।